हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो कच्चे आलू लिए हैं। आलू का छिलका उतार कर मैंने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। आलूओं को मैंने बड़े वाले ग्रेटर की हेल्प से कद्दूकस किया है, तो आलू के बड़े बड़े लच्छे निकले हैं। इन्हें हम बाउल में डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच दरदरी कुटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, आधा कप साबुदानों को पीस कर डालेंगे। मैंने साबुदानों को दरदरा पीसा है, आप चाहें तो बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार कर सकते हैं, तो इसे भी मैंने बाउल में डाल दिया है। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे, 7 से 8 कड़ी पत्तों को बारीक कट करके डाल देंगे। अगर आप ये नाश्ता व्रत में बना रहे हैं और करी पत्ता व्रत में नहीं खाते हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर के बीज मैंने निकाल दिए हैं। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें मैंने मिक्स कर ली। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर तैयार कर लेंगे। पानी ध्यान से ही डालें, क्योंकि इसका हमें ज़्यादा पतला बैटर तैयार नहीं करना है। तो मैंने थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लिया है। अब इसे हम कवर करके 10 मिनट तक छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे। तो हमने जो बैटर तैयार किया है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पर मैंने एक पैन रखा है। पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, तो इस तरह से मैंने पैन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम बटर को पैन पर डालेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच के समथिंग बटर हम पैन में डालेंगे और इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। याद रखें, गैस की फ्लेम को स्लो ही रखें। अगर हम गैस की फ्लेम को हाई या मीडियम कर देंगे, तो जो शीट है वो नीचे से बहुत जल्दी से पक जाएगी और बीच में कच्ची रह जाएगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से फ्लैट कर लिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे। शीट के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। अब इसे हम पलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं, शीट एक साइड से पक चुकी है। अगर आपकी शीट नहीं पकती है, तो आप इसे और 1 से 2 मिनट तक पका सकते हैं। इसे हम फिर से कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम ढक्कन हटा लेंगे, शीट को पलट लेंगे। तो दूसरी साइड से भी ये शीट पक चुकी है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए बैटर से इसी तरह से नाश्ता रेडी कर लेंगे। तो कच्चे आलू और साबुदाने से ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इस नाश्ते को आप मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मूंगफली की चटनी के साथ तो ये नाश्ता और भी टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।